हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। मैं अभिषेक आनंद। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप घर से बैठे बैठे इंटरनेट बैंकिंग से कैसे अपना जो है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट अकाउंट खोल सकते हो। ठीक है, एफडी अकाउंट में कुछ फिक्स अमाउंट आप डाल देते हो और उससे जो है आपको ज़्यादा परसेंटेज आपको मंथली भी आप ले सकते हो और जब मैच्योर होता है उसके बाद भी आप ले सकते हो। लेकिन सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल में आप सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पर, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। दोस्तों, ये मेरा YouTube चैनल है, आपको आना है इस एड्रेस पर। यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, इसको क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोज आपको मिलते रहें, नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा घर से बैठे बैठे इंटरनेट बैंकिंग से कैसे आप जो है फिक्स डिपोजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आपने सुना होगा कि ब्रांच में जाके आप बहुत सारे लोग एफडी अकाउंट ओपन करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको कि घर से आप कैसे कर सकते हो अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो। मेरे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट है, ठीक है, तो मैं इसके द्वारा आपको बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप ध्यान से मेरा ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग से मैं यहाँ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो आप ध्यान से रखो। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के बारे में थोड़ा सा बता दूँ आपको कि एफडी अकाउंट जो होता है इसमें आपने एक निश्चित अमाउंट जो है आप रख सकते हो और इसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है। एक मैच्योरिटी डेट होता है या मैच्योरिटी डेट आप खुद से भी बना सकते हो और उसमें उसके अंतर्गत आपको जो है ज़्यादा परसेंटेज मिलता है, वो अमाउंट आपका फिक्स होता है। अगर आप चाहो तो उस अमाउंट को बाद में कभी आप अकाउंट को बंद भी करवा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कैसे बनता है। ध्यान से देखिए, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट का वेबसाइट है onlinesbi.com, यहाँ लॉगिन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लॉगिन करके आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लेकिन यहाँ मैंने लॉगिन कर लिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मेरा अकाउंट है वहाँ लॉगिन कर लिया। और यहाँ पर देखिए ई फिक्स डिपॉजिट है, इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन है ई एस टी डी आर फिक्स डिपॉजिट, इससे रिलेटेड फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन आपका यहाँ पर मिल जाएगा, इसको आप पढ़ सकते हो ज़्यादा जानकारी के लिए। यहाँ पर क्लिक करके प्रोसीड को क्लिक कर, यहाँ पर अकाउंट आप चाहते हो उस अकाउंट को क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आप अमाउंट डाल सकते हो कोई भी अमाउंट, जैसे कि मैं यहाँ 1000 रुपया यहाँ पर डाल रहा हूँ। ठीक है, मिनिमम 1000 शायद होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आप इसको क्लिक कर सकते हो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ दो उसको। यहाँ पर जो है दो ऑप्शन है, STDR और यहाँ पर है TDR। तो यहाँ पर मैट्रिक आपका जो इंटरेस्ट है आपका मैच्योरिटी पर मिलता है और यहाँ टीडीआर है जिसमें कि आप जो है इंटरवल्स जो है आप सेलेक्ट कर सकते हो कब कब आपको जो है इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, ये वाला मान लीजिए ऑप्शन चूज करता हूँ। यहाँ पर आपको 10 ईयर कब तक आप पैसा फिक्स डिपॉजिट करना चाहते हो यहाँ से आप डाल सकते हो। मान लीजिए 1 साल यहाँ डाल सक दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर दो ऑप्शन नीचे में दिया गया है, आउटो रिन्यू प्रिंसिपल एंड रिपे, मतलब कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने डाला हुआ है वो ऑटोमेटिकली जब आपका मैच्योरिटी डेट आएगा जो आपने चूज किया है, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 साल चूज किया है। ठीक है, तो 1 साल के बाद ऑटोमेटिकली आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है फिर से दोबारा फिक्स डिपॉजिट में चला जाएगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन रिपे प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि आपका जो जैसे ही 1 साल कंप्लीट हो जाएगा जो प्रिंसिपल और आपका पूरा इंटरेस्ट जो है वो आपका चला जाएगा, आपका वहाँ चला जाएगा आपके सेविंग अकाउंट में जो अकाउंट आपने दिया हुआ है। यहाँ मान लीजिए 2 साल हम लोग सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो है इंटरेस्ट पे आउट यहाँ पर जो है ना आप चूज कर सकते हो कि इंटरेस्ट कब चाहिए, क्वार्टरली चाहिए कि मंथली चाहिए। यहाँ मंथली भी डाल सकते हो, क्वार्टरली भी डाल सकते हो, तो ये आपको है। और यहाँ पर मान लीजिए ये ऑप्शन चूज कर लिया, ठीक है, या फिर इसको भी चूज कर सकते हो। और यहाँ पर जो है आपको एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन करना है। यहाँ पर जो साइट दिया है इंटरेस्ट रेट देख सकते हो, क्या रेट अभी चल रहा है, किस रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ये सारा डिटेल जो है आपको यहाँ पर आप देख सकते हो, इस वेबसाइट में देख सकते हो। अब ये खुल रहा है तो ये वेबसाइट ओपन, अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, अभी ओपन नहीं हो रहा है, तो इसको बंद कर देते हैं। आप देख लीजिएगा इंटरेस्ट और उसके बाद जो है यहाँ से जो है सबमिट कीजिएगा तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद जो है एफडी अकाउंट क्रिएट हो उसका आप जो है ना प्रिंट कर सकते हो, पीडीएफ में भी निकाल कर रख सकते हो उसका डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये आपका उस दिन से आपका चालू हो जाएगा, जो भी आपने ईयर चूज किया है, जो भी आपने मेच्योरिटी डेट रखा है उस दिन तक आपका इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। जो भी इंटरवल आपने रखा हुआ है इंटरेस्ट के लिए उसी इंटरवल पर आपको उसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा। ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है
नॉर्मल जो आप रखते हो अकाउंट में पैसा, उससे ज्यादा इंटरेस्ट आपको इसमें मिलता है जो आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, इसीलिए जनरली लोग फिक्स डिपॉजिट करते हैं, ठीक है ना। तो मुझे तो अभी फिक्स डिपॉजिट खोलना नहीं है, मैं तो आपको समझा रहा था, इसलिए अभी मैं सबमिट को क्लिक नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ये आपका तरीका हो गया, और फिक्स डिपॉजिट आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग बता दिया, अब दूसरे जो बैंक के एटीएम इंटरनेट बैंकिंग होते हैं उसके द्वारा भी आप कर सकते हो, अगर उसमें आपको फिक्स डिपॉजिट का अगर ऑप्शन दिया होगा तो वहां से भी आप कर सकते हो। जनरली सभी इंटरनेट बैंकिंग में ये ऑप्शन दिया गया है, कोई बैंक जो है किसी से भी पीछे नहीं होना चाहते, सभी बैंक चाहते हैं कि एक दूसरे से कॉम्पिटिशन होता रहे, इसलिए यहाँ पर है ऑप्शन। तो आपके बैंक में भी अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है तो उसमें भी फिक्स डिपॉजिट खोलने का ऑप्शन दिया होगा इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, ठीक है। तो ये वीडियो मैंने आपको समझाया है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और दोस्तों ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आपको आना है इस एड्रेस पर, यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, इसको क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस जो लेटेस्ट आते हैं उसका नोटिफिकेशन मिल सके आपको यहाँ पर, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हो, बहुत सारे जुड़ लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ कॉन्टेक्ट में जाना है, व्हाट्सएप नंबर निकाल के आप मैसेज कीजिए मुझे, मैं आपको व्हाट्सएप पर जरूर ऐड कर लूंगा, तो मैसेज जरूर कीजिए। दोस्तों ये मेरा जो है कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स है, फेसबुक, ट्विटर, फेसबुक ग्रुप, और ये मेरा ऑनलाइन फेसबुक पेज का लिंक है, इसको आप जरूर फॉलो कीजिए और ये लाइक कीजिए ताकि मेरे सारे लेटेस्ट अपडेट जो है आपको मिलता रहे, तो जरूर फॉलो कीजिए लिंक। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, और अगर आप चाहते हो कि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो मेरे यूट्यूब चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। प्यार और आशीर्वाद अपना बनाए रखिए। दोस्तों नमस्कार, वीडियो वॉच करते रहिए, थैंक यू।